दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में श्री रघुराम गौशाला मोनोगौ सेवक बख्तावरपुर के पास गांव ताजपुर में रघुराम गौशाला है, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा गायों को रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गायों की सेवा करना अगर किसी को सीखना है तो मोनू से सीख लीजिए। हर साल यहां ताजपुर गांव में भंडारा भी कराया जाता है और रागिनियों का भी प्रोग्राम होता है वहां। अगर हम बात करें तो रास्ते में भी अगर किसी गाय को कोई चोट लग जाए या कोई टक्कर मार कर चला जाए तो उसको भी मोनू गौ रक्षक उठाकर ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और खाली गाय नहीं, किसी भी तरह का पक्षी या कोई जानवर घायल अवस्था में मिलता है तो उसकी सेवा करना ये अपना कर्म मानते हैं। और जितने भी गौ रक्षक मोनू से जुड़े हुए हैं वह सभी एक धर्म का काम और एक अच्छे समाज को जागरूक करने का काम भी करते हैं। लोगों के लिए एक सलाह और एक मशवरा और एक अच्छी राय भी देते हैं कि शराब छोड़िए, नशे के में मरना पड़े। आज के नए युवा नशा करते हैं तो उनके लिए एक सीट भी देते हैं कि नशे से बुरा कोई काम नहीं है, उसे छोड़ें और गम के काम पर लगे। ये कहना काफी लोगों का है, आप खुद वीडियो में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि मोनू गौ रक्षक ने किस तरीके से गायों को रखा हुआ है। साफ सुविधा हर तरीके से वहां पर आपको नजर आ जाएगी। बहुत सारे गौशाला ऐसे भी हैं जिनमें आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से गायों को सही तरीके से नहीं रखा जाता, चारा भी उन्हें समय पर नहीं मिल पाता। लेकिन ये एक ऐसी मात्र गौशाला है जहां पर हर तरीके की सुविधा मोनू गौ रक्षक दे रहे, जिसमें सरकार से इन्हें कोई योगदान नहीं मिलता, सब कुछ अपने ही पर ले और अपने जो मिलने वाले लोग हैं उनसे ही यह गौशाला चलाते हैं। आप देख सकते हैं एक वीडियो में कितने अच्छी गाय और दूध वाले गाय हैं और बिना दूध वाली गाय भी। कौन सी गौशाला है और आप कितने सालों से गौरवशक है? भाई ये श्री रघुराम गौशाला ताजपुर कला और 2015 से गौशाला है। अब कितनी गाय हैं, गौ माता कितनी हैं आपके पास में? भाई छोटे बड़े 100 के करीब गौवंश हैं। तो इनका जो है जो खर्च है वो कोई कमेटी उठा रही है या सारा का सारा आप ही कर रहे हैं? भाई साहब ये भाई हैं अपने गाँव के हैं, कुछ भाई विशाल भाई बख्तारपुर से हैं विशाल भाई, और ऐसे ही गौ भगत अपने जो साथी हैं ऐसी मदद कर रहे हैं। जैसे आपकी बहुत सारी तारीफें सुनी हैं कि रास्ते में भी कोई किसी को कोई टक्कर मार के चला जाए, मतलब एक्सीडेंट करके चला जाता उसे ही उठा के लाते, तो उसका उपचार भी किया जाता है? हाँ हाँ उसका उपचार भाई जो अगर जो थोड़ी बहुत चोट हो उसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ना तो भाई बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं श्री कृष्णा गौशाला। श्री कृष्णा गौशाला में तो गौशाला गौओं के साथ में और भी कुछ जैसे भैंस है या मतलब कोई लील गाय वगैरह या इस तरीके की कोई? भाई भैंस तो नहीं, बाकी कुत्ता बिल्ली जो भी मुख्य प्राणी है इस घर के पालतू पशु का अलग, नील गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, गौवंश तो है ही सबके लिए। सभी एनिमल का है, बाकी जो नजरों के सामने आ जाए एक दो गरुड़ के मिल जाते हैं। बाकी मोनू भाई हो गए और हमारे लोग किराना भाई हो गए और भी बहुत भाई है जो कि सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हरेक एनिमल का है अपने पास। अब जैसे मोनू भाई ने बहुत ज्यादा संघर्ष करा है और संघर्ष करने के बाद आज इस नतीजे पे आए हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोनू भाई बहुत बढ़िया सेवा करते हैं और हमारे पास सबसे बड़े भाई है, हमारे को कोई मदद की जरूरत होती है, कोई पता करना होता है हमें बात। देखो हम उम्र में भी एज में हरेक चीज में कम है, तो हमें कोई बात आगे के बारे में पूछनी होती है ना, तो भाई से बात करते कॉल कर लेते, भाई ऐसे ऐसे बात है या गौशाला में आना हो या कोई सी प्रकार की मदद चाहिए होती है तो भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। बाकी भाई गौशाला भी संभालते है, सेवा भी करते साथ के साथ अपने साथ साथ और युवाओं को भी यहाँ पे क्या? हाँ जैसे हम कहीं पे कॉल पे जाते हैं
ये अच्छे काम है। आज के युवा क्या कर रहे हैं, शराब के नशे में हर एक गंदी संगत में पड़ रहे हैं, तो हम उनके अंदर एक जोश जगाते हैं, उनको बताते हैं गौ माता के बारे में, जो कि वे उनके अंदर वे उस लाइन को छोड़ के आज के टाइम हर माहौल में दो दो चार चार लड़के ऐसे है जो गलत काम कर रहे हैं। हाँ, जो नशे को छोड़ते हुए इस चीज से दूर रहे। अब हम गौ सेवा करते हैं, हमारे को हम देख के पहले जैसे हम थे, अब हमारे को देख देख के हर गाँव के साथ दो दो चार चार लड़के जुड़ रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे भी है जिन्होंने जो पहले बहुत गलत संगत में थे और सब कुछ छोड़ के आज सही संगत सही लाइन पा गए, और इससे एक हर एक चीज़ को समाज को अच्छी सीख मिलती है और बढ़िया आगे जाके बढ़िया उसमें रहेगा अपनी परंपरा में भी और संस्कृति के उसमें भी। गौ माता का गौ माता ही माता, हर एक एनिमल का अपने पास कोई भी जानवर मिल जाए, कोई पक्षी मिल जाए, आप लोगों की सबकी उनकी सेवा करना, जैसे कोई पक्षी है, कुत्ता है, हो जाता है तो उससे भी उठा कर लाते, मेहनत करते, तो उनके विषय में बताए क्या कहना चाहते हैं आप। मैंने अपने क्षेत्र में या कहीं भी जहाँ भी गौ माता का या गौशाला का नाम जो चलता है, मोनू सबसे अग्रणी है उसमें। मोनू भाई का बड़ा बहुत बड़ा योगदान है गौ माता के लिए, और ये काफ़ी अपने कार्य को लेके कर्मठ है। जहाँ से भी कॉल आ जाती है, मोनू भाई तुरंत अपने साथियों के साथ एम्बुलेंस लेके अपने खर्चे से गौ माता का उपचार कराते हैं। कोई बीमार हो या नाले में पड़ी हो, स्वयं इनके कमर में दर्द है, फिर भी उसके बावजूद ये कोई कसर नहीं छोड़ते गौ माता को बचाने में और उसका उपचार करने में, और अपनी गौशाला में लाते हैं। और आप देख सकते हो कि सभी गौ माताएं बछड़े हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। नए युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नए युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई मोनू भाई का गौ माता के इसमें गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और नशे पते से दूर। जो आप इस गौशाला के मुताबिक जो और गौशाला है उनमें जो गाय है ये काफी दुबली पतली है, और मैं बताऊंगा जी। और आपके गौशाला में मैंने तो पहले तो गौशाला में सफाई स्वच्छ पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा, गंदगी की सुविधा, हम गौशाला में सफाई पूर्ण रूप से रखते हैं और हम बीच बीच में आके चेक भी करते हैं। हमारे जिसने से भी जुड़े हैं, ये जो दूसरी गौशाला जी उनमें आता है पैसा, हमारा उद्देश्य है चोटिल गाय बीमार गाय उनको भी ठीक करवाना, तुरंत कॉल पे जाना। ये दूसरी गाय वाले पैसा तो आ जाता है सरकारी से, उन पैसे को इधर उधर कर देते हैं। हमारा तो मेन उद्देश्य है चोटिल गाय बीमार गाय उनको इलाज करवाना, और उनको तुरंत हमारे से इलाज हो जाता तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसको बड़ी गौशाला में जैसे बवाना है, कृष्णा है, हॉस्पिटल है, हम उनका इलाज करवाते हैं। और ये पैसे वाली जो गौशाला जी सरकार से पैसा मिल जाता है उनको सही ढंग से नहीं लगाते। हमारी छोटी गौशाला है लेकिन हमारा जो पहचान है, हमारे को बीमार चोटिल गाय और इस तरीके की हमारी सुविधा है। अतः सभी क्षेत्रवासियों से प्रार्थना है कि हमारा सहयोग करें,